हरी मिर्च का पचरंगा अचार। हरी मिर्च का पचरंगा अचार बनाने के लिए हम 500 ग्राम हरी मिर्च लेंगे, आधा चम्मच मेथी, 3 छोटे चम्मच सरसों दाना, 2 छोटे चम्मच सौंफ, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटे चम्मच काला जीरा जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं, 500 ग्राम सरसों का तेल, 3 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। आप सबसे पहले हरी मिर्च जो कि डंठल तोड़कर अलग कर ले, सभी मिर्चों में चीरा लगा ले, लेकिन ध्यान रखें कि मिर्च नीचे से साबुत रहे। 1/3 मिर्चों को मिक्सी में पीसकर शेष सभी मिर्चों में मिला दें। इन मिर्चों में नमक व हल्दी डालकर 5-6 घंटे के लिए छन्नी में डालकर सुखा लें। इससे हमारी हरी मिर्च कुरकुरी हो जाएगी और उसमें जो पानी है वो सूख जाएगा। सभी सूखे मसालों को पैन में भून लें और ठंडा होने पर मिक्सी में पीस लें। पैन में सरसों के तेल को तेज गर्म करें और बाद में से ठंडा कर लें और बारीक पीसे मसालों को मिला दें, मिर्च में भी मिला दें। अचार को जार में भरकर ऊपर से इतना तेल डालें कि मिर्च तेल में डूबी रहे। 3-4 दिन धूप में रखें। यदि मिर्च सूखी है तो गर्म तेल को ठंडा कर मिर्चों के ऊपर और डाल दें। ऐसा करने से यह अचार आपका आराम से 4-5 महीने तक चल जाता है। आप जब भी हरी मिर्च का पचरंगा अचार डालें, मिर्च को 5-6 घंटे धूप में इसलिए अच्छे से सुखाएं कि जिससे हमारा अचार जल्दी से ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी यह हरी मिर्च का पचरंगा अचार की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थी इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।